आधी दुनिया हमें जानती भी नहीं है। फुटबॉल हमारी पहचान बना सकती है। और हार के वापस आ गए तो मैं दोबारा कभी किसी टीम को कोच नहीं करूंगा। दोस्तों, आपने अजय देवगन की मैदान फिल्म ना देखी है तो हम बता दें, इस फिल्म में अजय देवगन भारत के 1950 से 1960 के दशक के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाया है, जिन्होंने उस समय अकेले समाज और राजनीति करने वाले लोगों से अकेले लड़कर अपने दम पर एक फुटबॉल कोच बनते हैं और बहुत ही ज्यादा संघर्ष के साथ एक अपनी फुटबॉल टीम तैयार करते हैं और काफी चुनौतियों और बलिदान का सामना करके भारत देश के लिए पहली बार 1956 के ओलंपिक के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली एशिया की पहली फुटबॉल टीम बनाते हैं। और भारत के अब्दुल रहीम फुटबॉल कोच का बहुत ही संघर्ष के साथ यह सपना भारत देश के लिए पूरा होकर पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में फुटबॉल टीम का इतिहास बन जाता है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत फिल्म को आप भी जरूर देखिए।